मरीजों के लिए परेशानी बन रहे ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 12,240 इंजेक्शन शुक्रवार को चार्टर्ड विमान द्वारा इंदौर पहुंचाए गए हैं। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे दिल्ली से आए विशेष विमान द्वारा इन इंजेक्शनों को इंदौर लाया गया है। ब्लैक फंगस के उपचार हेतु 12,240 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की बड़ी खेप इंदौर एयरपोर्ट पहुंची। इसमें कुल 34 बॉक्स इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एक बॉक्स में 360 वॉयल मौजूद हैं। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा के साथ AKVN के MD रोहन सक्सेना एयरपोर्ट पर इंजेक्शन रिसीव करने पहुंचे। इन इंजेक्शनों को हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, वहां से इन्हें दिल्ली लाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इन्हें विमान से इंदौर पहुंचाया गया है। अगले कुछ दिनों में इंजेक्शन की एक और खेप इंदौर पहुंचाई जाएगी। इससे ब्लैक फंगस के मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। कोविड के बाद जो नए रूप में, नए महारुबिया के रूप में इस कोरोना का फंगस जो मिला है, बाकी में इंजेक्शन की मेडिसिन की किल्लत अभी थी, आज बड़ी राहत भरी खबर है कि हमारे सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी, मुख्यमंत्री जी उसका नतीजा है। आज 12,223 आए, 13,000 और आएंगे, जो हमारे किल्लत आ रही थी इंजेक्शन की फंगस के मरीजों को, उसको राहत मिलेगी। मैं हमारे कमिश्नर साहब को, रोहन जी को, पूरी इनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। निरंतर ये लोग प्रयास लगे तो उसका आज नतीजा है। हिमाचल से आई है ना ये, अपने हिमाचल से आई है। बाकी में एक अच्छी खबर है, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी एक किल्लत है, वो भी और दूर होता है। देखो, मैंने बोला हर समस्या का समाधान मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, ये उसका नतीजा आपके सामने। हम और आप जूझ रहे थे इंजेक्शन से, फंगस से, ये राहत बड़ी खबर है। मैं वैक्सीन अभी आपको मालूम है, आज 51,000 लगी है और एक ही दिन में कल 41 लगी थी। पूरी कोशिश, क्योंकि इस कोविड का, इस महामारी का कुछ कवच सबसे भ्रमस्त है वो वैक्सीन। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।